हेलो यूट्यूब, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो को जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है 2020 में जो आपको सीखनी चाहिए जिससे कि आप एक आईटी इंडस्ट्रीज में जॉब ले पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 5 पे जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है हमारी सी शार्प। तो सी शार्प क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और वो .NET फ्रेमवर्क पर काम करती है। सी शार्प का यूज हम कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में, वेब एप्लीकेशन बनाने में, वेब सर्विसेज में, वेबसाइट्स बनाने में, गेम्स बनाने में, वीआर में, वर्चुअल रियलिटी में यूज कर सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं एंड मच मोर। इस तरह के और भी एग्जांपल है जहां पे हम सी शार्प का यूज कर सकते हैं। जो वेल नोन इंडस्ट्रीज हैं जैसे इंफोसिस है, TCS है, विप्रो है, वो भी इस सी शार्प का यूज करती है। तो अगर आपको सीखनी है तो नॉर्मली अगर आप बिगनर हो तो 2-3 महीने आपको लग जाएंगे सीखने में, बट अगर आपको पहले से नॉलेज है लैंग्वेजेस की, जावा है, सी शार्प है, सी है, तो आपको मिनिमम 1 मंथ लग जाएगा सीखने में। नेक्स्ट जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावा। सो जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड 1995। इट इज ओन्ड बाय ओरेकल एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस रन ऑन जावा। क्या अभी तक यहाँ पे हम जावा में काम करते हैं तो इसका यूज हम क्या कैसे कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में, स्पेशली एंड्रॉइड ऐप बनाने में इसे यूज करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में यूज कर सकते हैं इसका भी, वेब एप्लीकेशन बनाने में भी यूज कर सकते हैं, वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर में यूज करते हैं इसका, गेम्स बनाने में यूज कर सकते हैं इसका, डाटाबेस कनेक्शन बनाने में यूज करते हैं, और इस तरह के और भी एग्जांपल है जिनका यूज कर सकते हैं। और इंफोसिस, TCS, विप्रो में भी इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, इसे भी नॉर्मल आप 2-3 महीने में सीख सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि आप बेसिक जावा सीखने के साथ साथ आपको फ्रेमवर्क की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेमवर्क आपकी ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको कोई ना कोई फ्रेमवर्क आना चाहिए, जैसे हाइबरनेट है, स्प्रिंग है, वो जावा के साथ आप सीख सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन के बारे में। सो पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज क्रिएटेड बाय कूडो वैन डोसम एंड रिलीज इन 1991। ये बहुत सारे कामों के लिए यूज कर सकते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं हम, अलॉन्ग साइड सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, बिग डेटा में यूज करते हैं हम इसे। ठीक है, इसे भी सीखने में 2-3 महीने लग सकते हैं बिगिनर्स के लिए। यहाँ पे इंडिया में इसे एज अ स्टार्टिंग लैंग्वेज हम कंसीडर कर सकते हैं आज के टाइम पे। पहले स्टार्टिंग लैंग्वेज जो कंसीडर की जाती थी वो सी थी, बट आपको अगर पहले से नॉलेज है इन सब लैंग्वेज की तो आपको ज्यादा मंथ नहीं, 1 मंथ में आप सीख सकते हो नॉर्म बेसिक पाइथन का। मेरा जो सेशन रहेगा पाइथन सीखने के बाद आप फ्रेमवर्क पे ट्राई करें सीखना, ताकि फ्रेमवर्क की नॉलेज भी हो पाए, जैसे जेंगो है, आपको फ्लास्क है, इनकी नॉलेज भी होना आपको जरूरी है। सो नेक्स्ट जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अगर आप वेबसाइट्स बनाते हो, वेबसाइट बनाने में इसका रोल है इस टाइम पे वो नंबर ऑफ द 1 लैंग्वेज बन चुकी है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट इजी टू लर्न है, यूज कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में, वेब एप्लीकेशन बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, सर्वर एप्लीकेशन बनाने में, वेब सर्वर में यूज करते हैं, इसका बहुत सारा यूज है। अगर आप नॉर्मल बिगिनर हो तो आपको 1-2 महीने लग जाएंगे, अगर आपको और भी लैंग्वेजेस का अगर आप जानते हो तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। और जो हम लास्ट है, जो नंबर 1 लैंग्वेज है इस लिस्ट में वो है डार्ट। डार्ट आप इस तरह से समझ सकते हो, एक बहुत नोन या पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है इस टाइम पे। इसका यूज हम फ्लटर में कर सकते हैं, फ्लटर यूज करते हैं हम अगर आपको एंड्रॉयड ऐप बनानी हो, वेब एप्लीकेशन बनानी हो, एप्पल के लिए, आईफोन के लिए ऐप बनानी हो, तो फ्लटर में उसका फ्लटर की हेल्प से आप इजीली बना सकते हो। और फ्लटर में डार्ट टेक्नोलॉजी या डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है। इसे भी आप 2-3 महीने में सीख सकते हो, बट आप बिगिनर्स हो तो आप 1 महीने में इसे सीख जाओगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस तरह से और वीडियो, अगर आपको और वीडियो चाहिए इसी तरह की प्रोग्रामिंग पे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। यहाँ पे आपको डेली इसी तरह से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।